हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन में ट्रेंगल लेंगे। ट्रेंगल से संबंधित टॉपिक समझेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा सब कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो दोस्तों, पिछली हमने तीन वीडियो में जो सर्कल था, वृत्त था, उससे संबंधित क्वेश्चन, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट, ये सब किया है कंप्लीट, है ना। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन से संबंधित आप प्लेलिस्ट निकालना और उसमें देखना, तो आप सारी वीडियोस में मिल जाएंगी, है ना। तो दोस्तों, हम करते हैं ट्रायंगल को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आती है इस ट्रायंगल की, ये त्रिभुज की। तो त्रिभुज क्या है? तो दोस्तों, क्या है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। आपको दिख रहा होगा इसमें तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन। इन तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो होती है वो त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। और इस त्रिभुज में, जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में अधिकतम तीन कोण होते हैं। त्रिभुज है, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों, त्रिभुज से संबंधित और कुछ जानकारी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं, है ना, तीन भुजाएं होती हैं। तो मान लिया मैंने दोस्तों, ये जो भुजा है वो है चार, या फिर मान लो पांच है, ये चार है और ये कितनी है? तीन है। ये कितनी है? तीन है। तो दोस्तों, इस त्रिभुज से संबंधित जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हाँ आपके लिए हमेशा काम आएगा, हर मतलब जो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं इससे रिलेटेड ही, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, क्या बोला मैंने? त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है किन्हीं दो भुजाओं का योग, ठीक है। जैसे आपको बताता हूं दोस्तों, मान के चलो इस और इस भुजा का योग हम करें, तो इस वाली भुजा का योग जो है ना वो सात आएगा, ठीक है। और तीसरी भुजा हमने मान ली पांच, है ना। तो दोस्तों, जो सात है वो हमेशा इस भुजा से बड़ा है, तो आपको याद रखना है। चाहे आप इसका और इसका योग देखोगे तो वो भी इससे बड़ा आएगा, इसका और इसका योग देखोगे तो वो भी इससे बड़ा आएगा, है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है, किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है त्रिभुज में वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है या अधिक होता है, ठीक है। इनमें से आप किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कंपेयर कर सकते हो, तो हमेशा बड़ा ही आएगा, अधिक ही आएगा, ठीक है। चलो, ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ, है ना, क्योंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब योग की बात हुई। अब दोस्तों, मैं यदि अंतर की बात करूं, किसकी बात करूं? अंतर की बात करूं, तो हमेशा आप रखना दोस्तों याद कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है? कम होता है, है ना। अब जैसे मान के चलो इस भुजा और इस भुजा का अंतर देखें, तो इस भुजा और इस भुजा का अंतर कितना है? दो है, है ना। तो अंतर मतलब माइनस, तो अंतर ये कितना है? दो है। तो जो हमें जो चौथी भुजा, तीसरी भुजा है चार, उससे क्या है? ये दो कम है, है ना। अब इसका और इसका अंतर निकालोगे तो एक आएगा, जो भी इससे कम होगा, है ना। अब दोस्तों, यदि आप इन दोनों की बात करें तो इसका अंतर कितना आया? एक, है ना। या फिर इन दोनों का अंतर देख लो, एक आया, जो इससे क्या है? कम है, है ना। तो एक बात याद रखना दोस्तों, जो दो भुजाओं का जो योग होता है, क्या? दो भुजाओं का योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। तथा जो अंतर होता है वो अंतर हमेशा कम होता है। ये वाला जो पॉइंट है वो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग अधिक तीसरी भुजा से अधिक होता है और अंतर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा दोस्तों सेकेंड पॉइंट आपका इसका ये कहता है कि जो कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज आपका कोई सा भी हो, उस त्रिभुज में अधिकतम केवल एक है ना, क्या? केवल एक, या फिर ऐसा लिख दे रहा हूं, अधिकतम एक समकोण होता है। कोई भी त्रिभुज हो,
त्रिभुज आपका कोई सा भी हो, त्रिभुज आपको पता है चार प्रकार के होते हैं ना, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये चार प्रकार के त्रिभुज ओनली होते हैं। तो आपका जो त्रिभुज है कोई सा भी हो, अधिकतम एक कोण समकोण होता है। एक कोण कैसा होता है? समकोण, और समकोण का मतलब 90 डिग्री का एक कोण समकोण होता है। और दोस्तों यहां से यदि किसी भी त्रिभुज की बात करें तो उस त्रिभुज में एक कोण केवल अधिक कोण हो सकता है, एक कोण समकोण हो सकता है और एक कोण केवल अधिकतम कोण हो सकता है। अधिकतम मतलब 90 डिग्री से ऊपर वाले जो कोण होते हैं उन्हें अधिकतम कोण बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से कम वाले कोण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूनतम कोण, है ना। तो किसी त्रिभुज में एक समकोण हो सकता है, एक अधिकतम कोण हो सकता है एवं तीन न्यून कोण हो सकते हैं। मतलब किसी भी त्रिभुज में जो है वो तीन न्यून कोण से बन सकता है ना, एवं तीन न्यून कोण हो सकते हैं ना। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों त्रिभुज से संबंधित जानकारी है कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं, ठीक है, थीके? तो इनको आप याद रखना है ना। अब दोस्तों मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ कि ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो दोस्तों जो त्रिभुज होता है वो त्रिभुज चार प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, है ना, फोर टाइप के होते हैं त्रिभुज, ठीक है। पहला होता है हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा है हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो पहले दोस्तों मैं समकोण त्रिभुज की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो समकोण त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप से होता है जिसमें उसका एक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। जैसे आपको ये 90 डिग्री का, ठीक है, और ये लंब होता है, ये वाला जो आधार होता है और ये वाला क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, ओके। ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये होता है आपका हाइपोटेनियस, क्या होता है? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इस समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है? एंगल होता है, सॉरी क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल, है ना। तो दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, एक चीज और याद रखना, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो पाइथागोरस थ्योरम, तो वो केवल समकोण त्रिभुज पे ही लगती है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कौन सी थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम, जो हमेशा आपकी किस पे अप्लाई होती है? समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज क्या है, है ना। तो समबाहु त्रिभुज दोस्तों ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या बोला मैंने? समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज दोस्तों ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें जो सभी भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, इक्वल होती हैं, और प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है, है ना। तो ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है, और ये तीनों एंगल न्यून कोण होते हैं, ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, किस त्रिभुज में सभी कोण न्यून कोण होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलो, ये समबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, है ना, ऊंचाई वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो इधर, है ना, तो समबाहु त्रिभुज होता है दोस्तों, इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, है ना, मतलब जो साइड होती है उस साइड का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना,
रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब यदि दोस्तों समबाहु त्रिभुज के हम ऊंचाई की बात करें, समबाहु त्रिभुज की किसकी बात करें, ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो ये इसकी ऊंचाई है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो समबाहु त्रिभुज के जो ऊंचाई होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट थ्री अपॉन टू इंटू भुजा, रूट थ्री अपॉन टू इंटू भुजा, ये आपको याद रखना है हमेशा, ये समबाहु त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज से दोस्तों जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उतने टाइप से मैं इसके फॉर्मूले के अप्लाई करना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज में कुछ अंतःवृत्त और कुछ बाह्यवृत्त भी होता है। क्या बोला मैंने, समबाहु त्रिभुज में कुछ अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त भी बना सकते हैं, मतलब ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज में हम ये अंतःवृत्त भी बना सकते हैं और इस समबाहु त्रिभुज में हम एक बाह्यवृत्त का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा किसी और अन्य त्रिभुज में नहीं होता है ना, आपको ध्यान रखना है ना। तो इस समबाहु त्रिभुज में हम अंतःवृत्त भी बना सकते हैं और बाह्यवृत्त भी बना सकते हैं ना। तो दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज है अंतःवृत्त बना सकते हैं, तो अंतःवृत्त की कुछ त्रिज्या भी होगी है ना, तो ये त्रिज्या दोस्तों निश्चित होती है समबाहु त्रिभुज के लिए है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, मतलब अगर अंदर वृत्त कोई बना है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या निश्चित है, क्या है ना। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज में जो अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है ए अपॉन, अब दोस्तों ए क्या है, तो ए दोस्तों यहाँ पर क्या है, भुजा है, ए क्या है यहाँ पर, भुजा है ना। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ए अपॉन टू रूट थ्री, ए अपॉन क्या होती है, टू रूट थ्री, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और जो समबाहु त्रिभुज होता है उस समबाहु त्रिभुज में बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या है ना। तो दोस्तों ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो फिर इनका हमें डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर लेके आना पड़ता है। ठीक है, अब बाह्यवृत्त मतलब इस प्रकार से बाह्यवृत्त है ना, तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए अपॉन रूट थ्री है ना, ए अपॉन रूट थ्री, जहां पर आपको ए क्या है, ए दी है इसकी भुजा है ना। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर हम भुजा को किससे व्यक्त कर रहे हैं, ए से। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पर, भुजा है। तो दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ जानकारियां जो इम्पोर्टेंट थी है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, जो मोस्टली क्वेश्चन निकल के आता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज से ही क्वेश्चन निकल कर आता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एंड महा इम्पोर्टेंट कुछ नोट नंबर एक। तो दोस्तों नोट नंबर एक हमारा ये कहता है, यदि आपको किसी भी आकृति का, अब आकृति कोई सी भी हो सकती है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज है ना, यदि आप दोस्तों किसी भी आकृति के विकर्णों की संख्या निकालना चाहते हैं कि इस आकृति में कितने विकर्ण हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो है हमारा n माइनस वन अपॉन टू माइनस n। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी आकृति के विकर्णों की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां पर दोस्तों n क्या है, भुजा है, n क्या है, भुजा है ना। मान लो दोस्तों आपको चतुर्भुज है ना, चार भुजाओं वाला जो चतुर्भुज है उसमें विकर्णों की संख्या निकालना है ना, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो अब मैं चतुर्भुज का क्यों निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, क्या इससे ये दो आ रहा है या नहीं उसको आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, चार, तो जो चार है इसमें एन की जगह आप रख दो है ना, तो ये चार है ना, अब ये चार माइनस एक अपॉन कितना, दो माइनस चार। ठीक है, तो दो एकम दो और दो दूनी चार, तो यहां से हमने देखा ये दो और चार में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा, तीन है ना, अब माइनस का चार, तो तीन दूनी छह, छह में से चार गया कितना बचा, दो, मतलब इसमें जो विकर्णों की संख्या है वो कितनी है, दो है ना। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, दो है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हमें षष्ठभुज, जो छह भुजाओं वाला षट्भुज होता है, उसमें विकर्णों की संख्या निकालनी है। अब मैंने किसकी बारे में बात की है, षट्भुज की, तो षट्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं,
छह। तो इस जो छह दिख रहा है ना, इस छह का मान यहाँ पर रख दो n की जगह, है ना। तो रखेंगे तो ये छह और ये छह माइनस एक अपॉन में कितना है टू, और माइनस का n मतलब छह। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो इससे काट दो, दो एकम दो, दो तिया छह, तो क्या बचा तीन, और छह में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा पांच माइनस का छह। तो पांच तिया कितना होता है पंद्रह, और पंद्रह में से छह घटा दो तो कितना बच गया नौ बच गया, कितना बच गया नौ बच गया। मतलब जो षटभुज होता है उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है नौ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी आकृति के विकर्णों की संख्या को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। आप हमेशा याद रखना ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब दोस्तों आपको किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग चाहिए, है ना। दोस्तों आप सभी आकृति के अंतः कोणों का योग तो आप याद नहीं रख पाओगे, है ना। ज्यादा से है तो आप त्रिभुज का निकाल रख लोगे कि त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है, बाकी पंचभुज का आप रख लोगे, बाकी षटभुज अष्टभुज, है ना, ये जो और भी आकृतियां होती है उनका आप जो अंतः कोणों का योग कैसे याद रखोगे, तो नहीं रखना। आपको बस एक फॉर्मूला रखना है जो आपका है एन माइनस दो इंटू एक हजार सॉरी एन माइनस दो इंटू 180। ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में आया कैसे, अब उसको देखो, है ना। जैसे दोस्तों आपको चतुर्भुज, जो आपका चतुर्भुज होता है उस चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग पता करना है, ठीक है। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, तो n का मान आप कितना रखोगे चार रखोगे, तो चार रखेंगे तो ये चार माइनस का दो इंटू का एक हजार, तो चार में से दो घटा दो कितना बचा दो बचा इंटू सॉरी 180, है ना, तो 180, तो 180 दूनी कितना हो गया 360 हो गया। मतलब चतुर्भुज के तीनों जो चतुर्भुज के जो सभी कोण होते हैं उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है 360। अब जैसे दोस्तों आपको पंचभुज के अंतः कोणों का योग पता करना है कि पंचभुज में जो अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, तो इसके लिए देखो पंचभुज में आपको पता है कितनी भुजाएं होती हैं, पांच भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं पांच भुजाएं होती हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये पांच भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो आप n का मान कितना रखोगे पांच माइनस दो इंटू कितना 180, तो पांच में से दो हट जाओगे कितने बचेंगे तीन इंटू 180, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, मतलब 540। मतलब जो पंचभुज है उस पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 540, है ना। तो अब ये दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना, आपको हमेशा याद रखना है कि मतलब अंतः कोणों का योग क्या होता है ना, और जो विकर्णों की संख्या है उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, एक चीज ये बता रहा हूं दोस्तों, यदि आपको किसी भी आकृति के प्रत्येक कोण का पता करना है, जैसे पंचभुज है, इस पंचभुज में आपको प्रत्येक कोण का पता करना है कि देखो पंचभुज है तो सभी कोणों का योग तो 540 हो गया, लेकिन प्रत्येक कोण इसमें कितने का बनता है ये चीज आपको पता करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो आपको यहाँ पर जो अंतः कोणों का योग दिया है उस अंतः कोणों के योग में आप क्या करोगे, जितनी भुजाएं हैं उस भुजाओं की संख्या से भाग दे दोगे, है ना। जैसे मान के चलो अंतः कोणों का योग कितना है 540 है पंचभुज के, हमें पंचभुज का प्रत्येक कोण पता करना है, तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं पांच होती हैं, तो पांच से इसमें क्या कर दो भाग लगा दो, है ना, तो पांच एकम पांच, भाग नहीं जा रहा जीरो, ठीक है, पांच आठ 40। मतलब प्रत्येक कोण जो होता है ना पंचभुज का वो कितने का होता है 180 का होता है, कितने का होता है सॉरी 108 डिग्री का, सॉरी कितना होता है 108 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण, पंचभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है 108 डिग्री का होता है। ऐसे दोस्तों आप प्रत्येक कोण की माप भी निकाल सकते हो। तो आई होप दोस्तों की ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों मैं आपको जो बचे हुए त्रिभुज थे जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इनके बारे में और बता रहा हूं। वैसे मोस्टली जो आते हैं मैंने उनको कंप्लीट करा दिया है ना, बट कभी किस्मत खराब हो तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों सम विषमबाहु है ना, तो दोस्तों विषमबाहु जो त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं अलग अलग। अब विषम बाहु का मतलब क्या है, विषम भुजाएं, सभी भुजाएं अलग अलग, है ना, तो विषम बाहु में सभी भुजाएं कैसी होती हैं दोस्तों अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे ये दो है, ये चार है और ये पांच है, तो हम देख रहे हैं कि ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है, प्रत्येक भुजा इसमें क्या होती है
अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज आया है जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसका हम फॉर्म, उसका जो क्षेत्रफल है उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो दोस्तों इस प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज का आ गया आपको, तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों उसको हम हैरोस के फॉर्मूले से निकालते हैं। किसके? हैरोस का जो फॉर्मूला होता है, उस हैरोस के फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब बोलो ये हैरोस का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ये हैरोस का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखो, ये होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी, ये हैरोस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर आपका जो ए बी और जो सी है वो रहेंगी भुजाएं, क्या रहेंगी? भुजाएं। ठीक है, और जो एस होता है वो होता है अर्ध परिमाप, क्या होता है? अर्ध परिमाप। अब दोस्तों परिमाप तो हमें पता है, परिमाप किसी भी आकृति का पता है कि सभी भुजाओं का जो योग होता है वो उसका क्या होता है? परिमाप होता है। वो क्या होता है? परिमाप। अब यदि अर्ध परिमाप की बात कर रहा है ना, तो परिमाप क्या है? देखो सभी भुजाएं क्या है? ए बी सी है भुजाएं, है ना, तो इनका योग अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप। लेकिन ये अर्ध परिमाप है तो मतलब इसको आप आधा कर दो, है ना, तो यहां से हम एस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एस का मान निकाल लेंगे और ए बी सी का मान आपको दिया होगा तो एस का मान निकल जाएगा, ए बी सी और एस का मान हम इसमें फुट कर देंगे तो हम इसका जो विषमबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो समद्विबाहु त्रिभुज है, अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? कोई दो भुजाएं आपस में कैसी होती है? बराबर, है ना, तो जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना वो समकोण त्रिभुज भी बन सकता है। जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो समकोण भी बन सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो इसकी भुजा ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है, है ना, तो यहां से हम दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली और ये भुजा आपको दी होगी, है ना, तो इन भुजाओं को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, है ना, एस का मान भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों चारों त्रिभुज को समझा है, है ना, पूरे अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है कि आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है और उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज होता है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट थ्री अपॉन फोर इंटू भुजा का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बस आपको भुजा कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये रूट थ्री और ये अपॉन फोर, अब ये भुजा का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 दो बार लिख सकता हूं, तो 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया, है ना, 4 दूनी कितना हो गया? अब 8, है ना, 8 दूनी 16 और ये रूट 3 है ना, तो मतलब ये 16 अंडर रूट ऑफ 3, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इजी है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और अगला क्वेश्चन मैं इसी में आपको दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3 है, या फिर ऐसा लिख दे रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा बताइए, इसकी प्रत्येक भुजा बताइए। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा है। ठीक है, तो बस इतना सिंपल तो है, आपका क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, आपको इसमें क्या बताना है? भुजा ज्ञात करना है, तो बस आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है, आपका फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, जो आपका ये फॉर्मूला है यही अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, जो क्षेत्रफल है उसका मान दिया है, कितना दिया है? 2√3, है ना, तो इसकी जगह आप क्या रख दो? 2√3, है ना, अब बराबर क्या होता है? 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये तो आपका होता ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, अब ये 4 है वो इधर आ जाएगा, तो 4 × 2 = 8, मतलब जो भुजा है उस भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आपकी जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट 8,
है ना, और अंडर रूट जो 8 होता है उस अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2 है ना। तो जो प्रत्येक भुजा है दोस्तों वो क्या आपकी आ गई 2√2 है ना। यदि आपको इसका टाइप से निकालना नहीं आता, यदि आप रूट 8 की वैल्यू निकालना आता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका आप क्या लोगे एलसीएम है ना। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 है ना। तो यहाँ से ये जोड़ा बन जाएगा, तो ये जोड़ा से बाहर निकल जाएगा और ये अंदर ही रहेगा है ना, इसलिए इसका मान 2√2 होता है ना। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें करने में। आपको किस टाइप से भी मतलब जो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सीधी सी बात बस कहने की मेरी ये है ना। इसके बाद दोस्तों मैं इसका अगला क्वेश्चन दिखाता हूं और देखते हैं कि इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 है ना। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 है, 2√3 है, तब इसकी ऊंचाई बताइए। अब देखो इसने ऊंचाई का पूछा है, किसका पूछा है ऊंचाई का, अब हमें इसकी ऊंचाई बताना है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2√3 है और अब हमें क्या बताना है, इसकी ऊंचाई बताना है। तो दोस्तों हमें ऊंचाई का भी तो फॉर्मूला पता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उस समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला भी तो हमने आपको बताया, क्या होता है ऊंचाई का फॉर्मूला, क्या होता है √3/2 इंटू भुजा, ये वाला ही तो फॉर्मूला भी हमने बताया कुछ देर पहले, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई कर देंगे है ना। भुजा का मान कितना दिया है 2√3 है ना, तो ये आपका 3√3/√3/2 और भुजा कितनी है 2√3 है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3 है ना। तो अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर भी आपका कितना जाएगा सेंटीमीटर में है ना। मतलब जो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी आई है 3 सेंटीमीटर। तो बस दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर लेके आओ, इतना कोई कठिन फॉर्मूला नहीं, डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं, बस इजी है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे है ना। अगली वीडियो में हम त्रिभुज के जितने भी त्रिभुज से संबंधित सभी प्रकार के समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है ना, विषमबाहु त्रिभुज, जितने प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो सभी क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें हमने आज थ्योरी को समझा है अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को जो आपको है ना बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप अगली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप नए व्यूअर हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।